गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशु सैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंड सिद्धांत के आधार पर कुचालक, चालक और अर्धचालक के बारे में, यानी इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बारे में। तो ध्यान रखना, कई बार ये ऐसे भी आ जाता है कि अधातु, धातु और उपधातु, ठीक है, इनको भी समझाइए। तो अधातु मतलब इंसुलेटर को समझाना है, कंडक्टर मतलब धातु को समझाना है, चालक को समझाना है, और उपधातु यानी सेमी कंडक्टर यानी अर्ध चालक को समझाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कुचालकों की। किसकी? कुचालक की, यानी कि इंसुलेटर की। प्रीवियस क्लास में हमने बैंड थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था संयोजी बैंड के बारे में, वैलेंस बैंड के बारे में। संयोजी बैंड और वैलेंस बैंड क्या होता है कि जब तक परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होता है, एटम की आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जब तक वो रहता है तो हम बोलते हैं वो कौन से बैंड में है, संयोजी बैंड में है, वैलेंस बैंड में है। जब तक बाह्यतम कोष में है परमाणु में इलेक्ट्रॉन, वो संयोजी बैंड में है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है, परमाणु से निकल जाता है, तो वो किस में चला जाता है, चालन बैंड में चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको हमने परिभाषित किया था फॉरबिडन एनर्जी गैप यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है, कि वैलेंस बैंड से यानी संयोजी बैंड से चालन बैंड, कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जो कुचालक होते हैं, इनको हम कैसे समझाते हैं। एक तो होता है हमारे पास क्या, संयोजी बैंड यानी कि वैलेंस बैंड होता है, ठीक है। एक होता है हमारे पास क्या, चालन बैंड यानी कि क्या, कंडक्शन बैंड होता है। क्लियर है? अब कुचालकों में क्या होता है कि जैसे ये एटम होता है और इसमें जो बाह्यतम कोष है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, एरिया इलेक्ट्रॉन अगर ये है तो वो किस में है, संयोजी बैंड में है। अब इसमें जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है ना, वो क्या होता है, लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को परमाणु में से बाहर निकलना है, मुक्त होना है, यानी कि चालन बैंड में जाना है, तो उसको कितनी ऊर्जा चाहिए होती है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए होती है। तो होता क्या है कि 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल है, वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। जब हम इन्हें सामान्य ताप पर भी ले जाते हैं, 300 केल्विन ताप पर ले जाते हैं, तब भी संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन किस में नहीं पहुंच पाते हैं, चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, यानी कि ये मुक्त नहीं हो पाते हैं। और कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। क्लियर है ये बात? अब क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए इनकी चालकता बहुत कम होती है, इनकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इनमें करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे पास, कुचालक कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। अब थोड़ा हम लिखते हैं जब ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, बैंड सिद्धांत के अनुसार, बैंड सिद्धांत क्या कहता है, बैंड सिद्धांत के अनुसार कुचालक वे पदार्थ होते हैं, इंसुलेटर वो होते हैं
कुचालक वे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिनमें जीरो केल्विन ताप पर, संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य, ये पहले भी पढ़ रखा है आपने, है ना, संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल, कितना होता है? लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। संयोजी तथा चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, सामान्य ताप की बात करें, तो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन यानी कि अगर हम कुचालक को कितने टेम्परेचर पर रखें, 300 केल्विन ताप पर, तो जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते, कि वे कहाँ पहुंच जाएं, संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाएं, अर्थात तो परमाणु के बाह्यतम कोश से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, ठीक है, इतनी ऊर्जा नहीं प्राप्त कर पाते कि संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाए, संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाए, जिसके कारण चालन बैंड क्या होता है, जिसके कारण चालन बैंड रिक्त होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, रिक्त होता है, तो ध्यान रखना ये कुचालक होते हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं इनमें, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। ये जो अधातुएं होती हैं, अधातुओं में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है ना, वो लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, इनकी जो चालकता होती है, कंडक्टिविटी जो होती है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इनकी चालकता 10^-12 से बहुत कम, कोई एक आध फ्री हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं होते हैं, 10^-12 से 10^-18 मोहो पर मीटर होती है, ठीक है, इनकी कंडक्टिविटी, क्योंकि करंट फ्लो नहीं होती है तो ज़्यादा प्रतिरोध होता है, कौन सा गुण ज़्यादा होता है इसमें, इनकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है, इनकी प्रतिरोधकता अत्यधिक, कितनी, 10^12 से 10^18, और यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर, बहुत ज़्यादा होती है इसकी प्रतिरोधकता, ठीक है। ये ऊष्मा के चालक नहीं होते हैं, ये ऊष्मा के चालक नहीं होते हैं, ऊष्मा का चालक नहीं होने का मतलब क्या होते हैं, ठीक है, ऊष्मा का चालक नहीं होने का मतलब, जैसे आपने यह धातु ली, यहाँ से गर्म करो, क्या दूसरा सिरा कुछ देर बाद गर्म हो जाएगा, नहीं, क्योंकि इसमें से ऊष्मा का क्या नहीं होता है, प्रवाह नहीं होता है, ठीक है, इनमें आवेश वाहक नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं ना, इनमें आवेश वाहक नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो हम कह देते हैं इनमें आवेश वाहक नहीं होते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं हमारे पास, कुचालक कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं, क्लियर है। इसके बाद हम सेकंड बात करते हैं किसकी, चालकों की, देखो सेकेंड हम बात करते हैं किसकी, चालक यानी कि क्या, कंडक्टर, ये क्या होते हैं,
बैंड सिद्धांत के आधार पर ही समझाते हैं हम। चालक वो होते हैं जिनमें 0 केल्विन ताप पर जो हमारे पास संयोजी बैंड होता है ना, वैलेंस बैंड होता है, और जो हमारे पास ये चालन बैंड होता है, इनके मध्य जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान क्या होता है? 0 होता है। यानी इलेक्ट्रॉन बस हल्की सी ऊर्जा चाहिए परमाणु के बाह्यतम को, उसमें हल्की सी मिली और ये कहाँ हो गए? मुक्त हो गए। अगर हम इन्हें 300 केल्विन ताप पर ले जाएं तो ये जो संयोजी बैंड और चालन बैंड होते हैं ना, ये अति व्यापन कर जाते हैं। यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में पहुंच जाते हैं? चालन बैंड में फ्री हो जाते हैं अधिकतर सारे इलेक्ट्रॉन। और सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है इनमें। इनकी चालकता बहुत ज़्यादा होती है, कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और इनकी जो प्रतिरोधकता होती है ना वो बहुत कम होती है। रेजिस्टिविटी जो होती है वो क्या होगी फिर इनकी? बहुत कम होगी। ठीक है, तो ऐसे हम किसको समझाते हैं? चालक को। देखो, बैंड सिद्धांत के आधार पर सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था, लेकिन अब जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये फाइनल ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है ये, है ना, और जो मैंने लिखा रहा है उन्हीं में से ही पूछता है ये। बैंड सिद्धांत के अनुसार चालक वे पदार्थ होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं, वे मैटर होते हैं जिनके 0 केल्विन ताप पर, जिनके 0 केल्विन ताप पर, टेम्परेचर पर संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य है, संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य है वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान, बैंड के मध्य है वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, तथा 300 केल्विन ताप पर, 300 केल्विन टेम्परेचर पर संयोजी बैंड तथा चालन बैंड एक दूसरे से क्या करते हैं? अति व्यापन करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, मिल जाते हैं एक दूसरे में। ऐसे जो हमारे पास पदार्थ होते हैं ना वो कौन से होते हैं? कंडक्टर होते हैं। अब इनमें होता क्या है? ठीक है, होता क्या है? देखो, 0 केल्विन ताप पर जो वर्जित ऊर्जा अंतराल तो कितना होता है? 0 होता है। जैसे आप सामान्य ताप पर ले जाओगे तो जो हमारे पास ये परमाणु होते हैं ना इस धातु में, इसके बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी वो संयोजी बैंड में होते हैं, जैसे 300 केल्विन ताप पर लेगा ये सारे मुक्त हो जाते हैं। बहुत कम ऊर्जा चाहिए होती है और इसलिए ये एक दूसरे से हम कह देते हैं अतिव्यापन करते हैं, सारे मिल गए हमारे पास फिर। ठीक है, तो इसकी खासियत क्या होती है इनमें, चालकों में, धातुओं में? क्वेश्चन धातुओं पर बेस्ड आया था, देखना एक बार, धातुओं पर धातु लिखा आया था इसलिए धातु भी बोल रहा हूँ मैं। धातुओं में वर्जित ऊर्जा बैंड अंतराल ये कितना होता है हमारे पास? डेल्टा ईजी इज इक्वल टू 0। कितना होता है? 0। इनकी चालकता बहुत ज़्यादा होती है, अत्यधिक होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो धारा आराम से प्रवाहित हो जाएगी। इनकी चालकता अत्यधिक कितनी? 10^6
महो पर मीटर से 10^8 महो पर मीटर तक। थ्योरेटिकल है, कुछ आज ज़्यादा करने का है नहीं, है ना। कोटि की यानी इतना हो गया हमारे पास क्या चालकता। प्रतिरोधकता इनकी जो होती है ना वो बहुत कम होती है। इनकी प्रतिरोधकता 10^-8 ओम इंटू मीटर, प्रतिरोधकता का मात्रक, रेजिस्टिविटी का मात्रक ओम इंटू मीटर से 10^-6 ओम इंटू मीटर कोटि की होती है, होती है। तो प्रतिरोधकता तो बहुत कम, माइनस में ना, तो 1/ और 1 के आगे 80, इतनी बहुत कम पॉइंटों में होती है, बहुत कम होती है ना। ये जो होते हैं ना विद्युत व ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। विद्युत व ऊष्मा के क्या होते हैं, अच्छे सुचालक होते हैं। देखो धातु में आप रोड पकड़ो है ना, धातु की एक सिरे को गर्म करो, दूसरा सिरा अपने आप ही कुछ देर बाद क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, यानी ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है इसमें। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी धारा प्रवाहित होती है इसमें, यानी कि कहने का मतलब होता है विद्युत का भी क्या होता है, अच्छा सुचालक होता है हमारे पास। इनमें आवेश वाहक कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें आवेश वाहक जो होते हैं ना किनके कारण होता है सारा काम, इलेक्ट्रॉन। इनमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो पदार्थ होते हैं, ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, चालक कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। तो इन्हीं पे बेस क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो, और बहुत बार आता भी है इस पर। थर्ड हम जो बात करते हैं इसमें वो आता है हमारे पास अर्धचालक। अर्धचालक यानी कि जिसे हम बोलते हैं क्या, सेमी कंडक्टर। अर्धचालक यानी कि क्या, सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो अर्धचालक या सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। 0 केल्विन ताप पर हमारे पास एक तो होता है क्या, संयोजी बैंड होता है बैंड सिद्धांत के अनुसार, और एक होता है हमारे पास चालन बैंड होता है यानी कि कंडक्शन बैंड होता है। 0 केल्विन ताप पर इनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी कि ये जो हमारे पास अर्धचालक होता है इसका कोई परमाणु होता है ना, इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो किस में है, संयोजी बैंड में है। अगर इन इलेक्ट्रॉनों को फ्री होना है यानी चालन बैंड में पहुंचना है तो कितनी ऊर्जा चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की चाहिए। तो 0 केल्विन ताप पर इन इलेक्ट्रॉनों को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा नहीं मिल पाती है, तो ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कोई संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाता। संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचने का मतलब मुक्त हो जाना। तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, कुचालक की तरह बिहेव करते हैं। अब हम इन्हें कितने टेम्परेचर पर ले गए, 300 केल्विन ताप पर ले जाते हैं। कितने टेम्परेचर पर रखते हैं हम इन्हें, 300 केल्विन ताप पर, सामान्य ताप पर रखते हैं। तो क्या होता है हमारे पास, ये जो संयोजी बैंड होता है, क्या होता है, संयोजी बैंड, और ये क्या होता है हमारे पास, चालन बैंड होता है। एक तो संयोजी बैंड होता है और एक क्या होता है, चालन बैंड। तो संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इतनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं कि वो संयोजी बैंड से किस में चले जाएं, चालन बैंड में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं, संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर यानी कि ये फ्री हो जाते हैं, परमाणु से निकल जाते हैं। चालन बैंड में पहुँचने का मतलब फ्री हो जाना। तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, फिर चालकों की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है।
तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। पूरी बुक पढ़ी है आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की। सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब इनकी जो हमारे पास चालकता है, प्रतिरोधकता है, वो हमेशा किन के मध्य होती है? कुचालक और चालकों के मध्य में ही होती है, क्योंकि ये कुचालक की तरह भी व्यवहार करते हैं और चालकों की तरह भी व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो कैसे समझा सकते हैं? देखो, वे पदार्थ जो 0 केल्विन ताप पर, जो 0 केल्विन ताप पर कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं, कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं तथा 300 केल्विन ताप पर, यानी कि सामान्य ताप पर चालकों की तरह व्यवहार करते हैं। सामान्य ताप, 300 केल्विन ताप पर यानी सामान्य ताप पर चालकों की तरह व्यवहार करते हैं, चालकों की तरह व्यवहार करते हैं, चालकों की तरह क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। क्लियर है? वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? अर्धचालक कहलाते हैं। 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर जो संयोजी बैंड होता है ना इनका, और जो चालन बैंड होता है, संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य है वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी फोरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है लगभग। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं हमारे पास? अर्धचालक कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम ज़्यादातर काम में लेते हैं हम। ठीक है, अब ये 0 केल्विन ताप पर कुचालक की तरह क्यों व्यवहार करते हैं और 300 केल्विन ताप पर चालकों की तरह क्यों व्यवहार करते हैं? क्योंकि 0 केल्विन ताप पर ये इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते कि ये संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाए। जैसे ही 300 केल्विन ताप पर ले जाते हैं तो इनको इतनी ऊर्जा मिलती है कि ये संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हम बोल देते हैं कि ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं? चालकों की तरह। तो अर्धचालक हम यहाँ भी पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर सेकेंड ईयर में पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ेंगे, है ना। 0 केल्विन ताप पर जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं। 0 केल्विन ताप पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते। इस कारण ये कुचालकों की तरह क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। कुचालकों की तरह क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सामान्य ताप पर। देखो, सामान्य ताप पर नॉर्मल टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं इलेक्ट्रॉन, संयोजी बैंड से चालन बैंड में, संयोजी बैंड से चालन बैंड में क्या हो जाते हैं? पहुंच जाते हैं, ऊर्जा मिल जाती है। ये जो इनका जैसे सिलिकॉन है, ये परमाणु है, परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है, 300 केल्विन ताप पर रख दो आप तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मिल जाएगी, मुक्त हो गए, मुक्त हो गए तो किस में पहुंच गए? चालन बैंड में पहुंच गए। ठीक है,
पहुंच जाते हैं, जिनके कारण ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, चालकों की तरह, जिसके कारण ये चालकों की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। किसकी तरह व्यवहार करते हैं, चालकों की तरह व्यवहार करते हैं। इनकी चालकता जो है, इनकी चालकता कुचालक व चालक के मध्य होती है। दूसरा हम रेजिस्टिविटी भी देख लेते हैं, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। इनकी चालकता प्रतिरोधकता कुचालक व चालकों के मध्य होती है, कुचालक व चालकों के मध्य होती है, मध्य होती है। ठीक है, और इसमें आवेश वाहक कौन कौन होते हैं, इसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन व होल होते हैं। ठीक है, तो होल के बारे में आप पढ़ चुके हो खूब। ठीक है, और अभी हम आगे जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, अर्धचालक पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम होल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आप पढ़ लेना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इस पर, डिफरेंस आता है तीनों में, आया हुआ क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी में कई बार। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।